रोटरी क्लब मुरादाबाद मिथ टाउन के तत्वावधान में फिलिसिटेशन रोटरी लीडरशिप अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब 2026-27 पायल गौड़ समेत वरिष्ठ क्लब सदस्यों का अभिनंदन किया गया। रामगंगा विहार स्थित मिथ टाउन क्लब में आयोजित कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि रोटेरियन पायल गौड़, पीडीजी रोटेरियन दिनेश कुमार शर्मा और क्लब अध्यक्ष रोटेरियन रणवीर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। सरस्वती वंदना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्लब सचिव रोटेरियन अतुल भटनागर ने पूर्व किए गए कार्यों के साथ आगामी क्लब की गतिविधियों और कार्यों से सदस्यों को अवगत कराया। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन रणवीर कुमार अग्रवाल ने समाज सेवा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्य अतिथि रोटेरियन पायल गौड़, पीडीजी दिनेश कुमार शर्मा समेत क्लब के वरिष्ठ सदस्यों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा क्लब नए बने सदस्यों का रोटरी पिन लगाकर अभिनंदन करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश कुमार शर्मा, क्लब अध्यक्ष रोटेरियन रणवीर अग्रवाल, क्लब सचिव अतुल भटनागर, रोटेरियन प्रीति अग्रवाल, के रस्तोगी, अभिषेक अग्रवाल, दीपक बाबू, सुरेश चंद अग्रवाल, मनोज रस्तोगी, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर विनीता अग्रवाल, रोटेरियन संगीता भटनागर, कोषाध्यक्ष विनोद अरोड़ा, एनी पिंकी अरोड़ा, इला सिंह, रोटेरियन नरेश सिंह गुप्ता, एनी रेणु गुप्ता, एनी दीपिका सिंह, रोटेरियन अंकित अग्रवाल, अंकिता अग्रवाल, रोटेरियन दीपक अग्रवाल, रोटेरियन राजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल समेत क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। आभार अभिव्यक्ति क्लब अध्यक्ष रोटेरियन रणवीर अग्रवाल ने व्यक्त की। सभा का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। अभिनंदन करता हूँ स्पाउस महिला रोटेरियंस और विभिन्न क्लबों से आए सभी सदस्यों का मैं आदि अभिनंदन। आज मुझे काफ़ी समय बाद मुरादाबाद आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस क्लब में 50 वर्ष होने जा रहे हैं और 13-10-12 वर्ष से इस क्लब से रिश्ता रहा है और इतना अटूट रिश्ता है कि मुझे इस क्लब में ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी क्लब में आया हूँ। और इतना जब भी दीपक बाबू ये सब कहते हैं जीके शर्मा जी से मेरा सुख दुख का रिश्ता रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, रोटरी एक ऐसा मंच है, सबसे पहले तो यह फेलोशिप मिलती है। 222 देश मैं जिन देशों में भी गया हूँ आज वहाँ मेरी सम्मान है। अगर कोई काम होता है तुरंत मेरे सॉल्व हो जाते हैं। अभी कल परसों एक फोन आया मुझे फनगर से और मुरादाबाद के बारे में इंक्वायरी की थी। मैंने संजय गुप्ता जी को कहा और उन्होंने 15 मिनट में ही उसका रेस्पॉन्स दिया। ऐसे बहुत से लोग आए, कहीं गुजरात का, कहीं वाराणसी का। शुक्रिया, जितना अर्ज करो उतना ही कम लगता है जब आप सभी लोगों का उतना प्यार मुझे मिलता है हर तरीके से। शायद मुझमें इतनी खूबियां हो भी ना, लेकिन आप लोग किस तरीके से निकाल लेते हैं तो मुझे एक बार यही लगता है कि बहुत कुछ करना है, बहुत करना है, बहुत बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपकी सोच की बराबरी कर सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट ऑनर, फॉर बिलीविंग इन मी, मुझे इतना विश्वास रखने के लिए कि हमारी डिस्ट्रिक्ट 3100 को लीड कर सकूं आगे आने वाले सालों में और उसी खूबसूरती के साथ जिस तरीके से आज तक होती आई। और जैसा कि आपने कहा हेलीकॉप्टर शॉट करना होगा तो मेहनत बहुत करनी है एंड ऑल आई कैन से इज कि मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी, मैं जरूर लगातार कोशिश करती रहूंगी इस तरीके से मैं वहां तक पहुंचू। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं इस समय एंड जब मुझे बुलाया गया यहाँ आने के लिए, रणवीर भैया का फोन आया कि आपका हम लोग फेलिसिटेशन करना चाहते हैं एंड सच एंड सच डेट, एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी और क्या कर सकते हैं पर्सनलाइज करने के लिए, एंड यू सी दिस लिटिल फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, आई एम फीलिंग सो टच्ड। वहाँ से जब मैं गुजर के यहाँ तक आ रही थी स्टेज को देखा, रियली टच्ड, थैंक यू वेरी मच। रोटरी का जो है ये साल का अंतिम महीना है 23-24 का और इसमें हमने लीडरशिप के ऊपर ये मीटिंग रखी थी
और हमारी यंग लीडर हैं डीजी इंडी जो हमारी गवर्नर 26-27 हैं लेफ्टिनेंट पायल गौर जी, उनको हमने फेलिसिटेट किया है और उन लीडरशिप अवार्ड दिया है। उनकी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं और इस यंग एज पे वो एक रोटरी की को एक नया दिशा प्रदान करेंगी, तो उनको हमने आज रोटरी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है। और अगली मीटिंग हमारी जो होगी अब क्लोजिंग सेरेमनी होगी जिसमें हम पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे और आने वाले साल में नए लीडरशिप के साथ और जोश से समाज की सेवा और क्लब में लीडरशिप की डेवलपमेंट के ऊपर